हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ओपन ऑफिस कैल्क सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो ओपन ऑफिस कैल्क की है। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से जितना हम चाहें उतने का चार्ट बना सकते हैं। कैसे ये होगा, आइए समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले तो यहां से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, ये इस तरीके से अब दिखेगा। अब हम चाहते हैं कि केवल इतने ही का हमें चार्ट डिजाइन करके मिले, तो आप इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लीजिए, जितना सिलेक्शन मिलेंगे उतने ही का चार्ट बनेगा। तो यहां से इंसर्ट पे चलते हैं और इंसर्ट पे जाने के बाद यहां पर आपको मिल जाता है चार्ट, और जैसे ही क्लिक करेंगे ये चार्ट बन जाएगा। आप जो भी चार्ट चाहिए यहां से चेंज भी कर सकते हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, जैसा भी चार्ट चाहिए आप लेके आ सकते हैं। ये देख सकते हैं चार्ट आ गया, ठीक है। फिलहाल मैं इसे कैंसिल करता हूं। अब मान लीजिए इतने का ही हमें देखना हो, इतना हिस्सा सेलेक्ट करता हूं, फिर वापिस से इंसर्ट पे चलता हूं और यहां से जाता हूं चार्ट पर, तो जितना आप सिलेक्शन मिलेंगे उतना ही चार्ट यहां पर आ जाएगा। देखिए ये, अब इस बार मैंने इसको ओके कर दिया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। ये देखिए, ये एक चार्ट बन गया। अब देखिए मैं यहीं पर दूसरा चार्ट बनाऊंगा जो कि इतने हिस्से के लिए होगा। यहां पर क्लिक किया मैंने, ये देख सकते हैं, और यहां से इसको ड्रैग करते हुए यहां तक आ जाते हैं। अब इतने हिस्से का चार्ट केवल बनेगा। अब देखिए ये चल करके यहां से चार्ट पर क्लिक कर दीजिए, तो जैसे क्लिक करेंगे ये इस तरीके से आ जाएगा। इसको फिनिश कर देंगे और थोड़ा यहां से छोटा कर लेते हैं ताकि दोनों ही चार्ट हमें अब शो हो। तो एक पहले चार्ट बनाया था, ठीक है, और ये अब बाद वाला चार्ट है। देख सकते हैं दोनों चार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से सेपरेट सेपरेट हिस्सों के चार्ट को भी आप डिजाइन कर सकते हैं। यहां पे सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।